आप जो स्क्रीन पर शादी कार्ड देख रहे हैं उस कार्ड को देखकर चौंकिएगा नहीं, राहुल गांधी की शादी की कार्ड तो बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अब राहुल गांधी की शादी नहीं है तो इस कार्ड पर राहुल गांधी की तस्वीर क्यों? क्या है इस शादी कार्ड का पूरा मामला, इसे समझते हैं। दरअसल तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के एस आलागिरी ने अपनी बेटी कंचना की शादी के रिसेप्शन के लिए छपे इन्विटेशन कार्ड पर राहुल गांधी की तस्वीर छपवाई है। चार पेज के इस निमंत्रण कार्ड पर देश के मोस्ट एलिजिबल बैचलर का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा जा सकता है। इस कार्ड को देखकर ऐसा लग सकता है कि राहुल गांधी शादी करने जा रहे हैं। जिन लोगों को यह इन्विटेशन कार्ड मिला है वे इसे देखकर एक पल के लिए खुश भी हो सकते हैं। उनको 52 वर्षीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, ऐसा वो सोच भी सकते हैं। वह जैसे ही पन्ना पलटते हैं तो दूसरे पन्ने पर उनके मुस्कुराते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर भी दिखाई देगी और तीसरे पन्ने पर राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को समर्पित किया गया है, जिससे उन्हें खुशी से मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद आपको लगेगा कि अंतिम पेज पर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर होगी, लेकिन यह पेज तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज को समर्पित किया गया है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आलागिरी की बेटी की शादी है। जब आप इनविटेशन कार्ड पर इन फोटोज को इग्नोर करते हुए मैसेज पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि राहुल गांधी कम से कम अभी के लिए मोस्ट एलिजिबल बैचलर बने रहेंगे। भले ही इनविटेशन कार्ड पर राहुल गांधी की तस्वीर छपी हो, लेकिन यह कार्ड तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एस आलागिरी की बेटी कंचना की शादी के रिसेप्शन का निमंत्रण कार्ड है, जो विनोद रंगनाथ से शादी कर रही है। सबसे खास बात तो यह है कि आलागिरी की तस्वीर सबसे छोटी छपी है। अब सोचेंगे कि अगर शादी आलागिरी की बेटी की है तो उनकी फोटो कहां है? तो जब इसके लिए आपको सबसे पहले पन्ने पर लौटना होगा। यहां पर जब आप राहुल गांधी की फोटो के नीचे उनकी एक तस्वीर को, छोटी सी तस्वीर को आप देख सकते हैं। अब शादी की बात हो ही गई है तो राहुल गांधी की शादी की बात को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। जब राहुल गांधी की शादी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। Are you planning to get married anytime soon? Well, no marriage on the cards. When the right girl comes along, I get married. Are you looking for one? I mean, if she comes along, she comes along. Yeah. Okay. It'd be good. Yeah. Nothing against marriage as an idea. Okay, so only the right person, comes along. Yeah, I think part of the problem is my parents had a really lovely marriage, and they were like completely in love with each other. So my bar is very high. Yeah. But is there a checklist or anything? No, just a loving person who's intelligent. So just a person who's loving and is human. Okay, I think all the girls out there are getting the message. Okay, now you're getting me in trouble now. अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी शादी को लेकर ये बयान भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दी थी। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था कि शादी से ज्यादा उन्हें बिना शादी के बच्चे ज्यादा पसंद है। अब तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आलागिरी की बेटी की शादी के कार्ड पर राहुल गांधी की फोटो की खूब चर्चा हो रही है और ये कार्ड खूब शेयर भी किया जा रहा है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।